दीर्घ तीन मासर व्यवधान पर आज खोली जाजपुर अधिष्ठात्री देवी माँ बिरजा मंदिर माँ बिरजा दर्शन करुछंति श्रद्धालु कोविड गाइडलाइन मानि उभय सेवायत तो श्रद्धालु माँ को दर्शन करुछंति माँ बेढ़ा परिक्रमा नक केवल माँ को दर्शन करुछंति दीर्घ तीन मासर ये व्यवधान पर आज खोली जाजपुर अधिष्ठात्री देवी माँ बिरजा मंदिर किंतु जो गाइडलाइन रही कोविड गाइडलाइन मानि ही उभय सेवायत कथा कहतु श्रद्धालु कथा कहतु माँ को दर्शन करुछंती माँ को बेढ़ा परिक्रमा नक केवल माँ को दर्शन करुछंती तीन मास पर मंदिर खोली तेणु श्रद्धालु बेस खुशी रही उत्कंठा रही कारण एत दिन है माँ को दर्शन कर पारे भक्त सेवायत तो श्रद्धालु कोविड जो गाइडलाइन रही मानि माँ को दर्शन करुछंती किंतु बेढ़ा परिक्रमा करबा मना करा जाइछि तेणु बेढ़ा परिक्रमा नक केवल माँ को दर्शन करुछंती एत दिन पर जितेबले कि मंदिर खुली श्रद्धालु मैंने चाह रही मंदिर केबे खोल जाजपुर जेतु अधिष्ठात्री देवी माँ बिरजा अटंती तेणु माँ बिरजा दर्शन निम्ते आज श्रद्धालु सका सका मंदिर में पहुंची जाइंता सहित भाव एत दिन रही एत दिन रही व्यवधान रही भक्त एवं भगवान को मध्यरे तेणु आज जेभि भाव माँ को दर्शन टिके पाइबे तेणु श्रद्धालु सका सका पहुंची जाइंती माँ बिरजा मंदिर रे ये दीर्घ तीन मासर व्यवधान पर आज खोली जाजपुर अधिष्ठात्री देवी माँ बिरजा पीठ माँ बिरजा दर्शन करुछंती श्रद्धालु किंतु जेभि भाव पूर्वर मध्य कोविड गाइडलाइन को सबुठी मानवापी तेणु मंदिर में कोविड गाइडलाइन को मानि उभय सेवायत कथा कहतु श्रद्धालु दर्शन करुछंती वर्तमान माँ को बेढ़ा परिक्रमा किंतु न करने कहु तेणु माँ को केवल दर्शन करार ये गोटे सुजोग मिल पारे कारण जितेबले कि ये संक्रमण धीरे धीरे टिके नियंत्रण परिसर को आसी जाइए ये निष्पत्ति नियाजाई मंदिर खोल जावाई जिला प्रशासन तरफ निष्पत्ति नियाजाई कारण राज्य सरकार जिला प्रशासन पर दायित्व देते जाजपुर सुरेन्द्र आम प्रतिनिधि रही जाइंटी सीधा सड़क जे वर्तमान दृश्य किभली रही एत दिन पर मंदिर खोली श्रद्धालु किभली भाव से आसी आगमन रही संपर्क समस्त तथ्य देवाई सुरेन्द्र ये तीन मासर व्यवधान पर आज माँ बिरजा मंदिर खोली किभली देखुं माहौल परिवेश कौन परिलक्षित कर देखु प्रियंका दीर्घ तीन मास पर अधिष्ठात्री देवी माँ बिरजा मंदिर खोल जा जिला प्रशासन अनुमति क्रमे बिरजा मंदिर खोल भोर छु जो रही निर्देश जो भोर छु रात आठटा जाए माँ का बेढ़ा खोला रहा मंदिर दर्शन समस्त श्रद्धालु मान भी तेणु समस्त मनरे उत्साह देखाई जदिव सका सका वर्षा टी आरंभ हो झिपझिप वर्षा तेणु भक्त आसवे टी विलंब देखा जाए तथापि भक्त मैंने आसुंच दर्शन करने जो रही जिला प्रशासन जो रही व्यवस्था बारिगेट कर समस्ते आसिक बारिगेट माध्यम जाकि माँ का जो रही चंडी मंदिर जो रही चंडी मंडप से दर्शन करेंगे से दर्शन करके फेरबे बेढ़ा परिक्रमा करें ना जहाँ अनुमति रही तो सीधा सब चित्र देखुबे आम देखा जो माँ का मंदिर भितर दृश्य संपूर्ण भाव में भक्त सेवायत मान प्रस्तुत अच्छा सेवायत मान उत्साहित अच्छा कारण जेहेतु आज प्रथम थर कर खोली दीर्घ तीन मास पर माँ का मंदिर खोली आम टे आगे प्रतिक्रिया टेज सेवायत जो अच्छा मुक्ति मंडप प्रतिक्रिया देखिए दीर्घ तीन मास पर माँ का मंदिर खोल जाए आज सका सका कौन नीतिकांत रही है जो पूजा अर्चना रही है तेम देखुं श्रद्धा भक्त जो आसवा और दर्शन करने निश्चित रूपे तो जहाँ नीतिकांति दैनंद चलवा कथा तथा मंदिर करोना कटक बंद थी माँ को पूजा रीतिनीति जहाँ जहाँ परंपरागत चलता चलता कितना गोटे जिन बंद था भक्त प्रवेश तो आम भी अत्यंत खुशी अच्छा माँ पुआर मिलन घटला भाई माँ बिरजा दर्शन पाई साधारण भक्त मैंने मंदिर प्रवेश करें प्रशासन तरफ जहाँ जहाँ गाइडलाइन अच्छे आम पालन करूँ खाली ये पुलिस दायित्व मंदिर प्रशासन दायित्व तामर मैं किसी कर्तव्य अच्छी तेनाली गत बैठक बसलु ए विषय में समस्त सेवायत को अवगत कराइचु जो भक्त मंदिर को आसवे कोविड गाइडलाइन जहाँ अच्छी अवगत कराइबू निश्चित रूप आज बहुत आम खुशी अच्छे भक्त मैंने बहुत खुशी अच्छा देखिए बर्तमान जो दीर्घ तीन मास पर खोली जो प्रशासन जो व्यवस्था रही जो कोविड गाइडलाइन को सब मानिकी दर्शन करेंगे और माँ का पाखक जाकि दर्शन करें कि बेढ़ा परिक्रमा करें ये जो रोचे समस्त मानते ना जो सानिटाइज हो मास्क परिधान हो कहना जेहतु कोविड मानते करोना कमी तथापि जारी रही कि जो कला रूप से समस्ते प्रस्तुत अच्छा समस्ते सरकार सहित आसिक माँ को दर्शन करेंगे कहना समस्त अपेक्षा करते माँ को दर्शन करेंगे
ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଦୂରତା ତାହା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଜି ବର୍ଷା ରହୁଛି ଲାଗି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସକାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ କମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଳନ କରିବୁ। ତେଣୁ କରୋନା ଆଜି କମିଛି, କାଲି ବଢ଼ିବ, ପୁଣି ଥାର୍ଡ ଲହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିବ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜିର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଯାହା ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବୁ। ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଜି ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଖୁସି, ଭଗବାନ ଖୁସି, ସେବାୟତ ଖୁସି, ପ୍ରଶାସନ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ସତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ କେତେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୂରତାକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ କେହି ନବରତ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ତ ଆମର ଚଣ୍ଡୀ ମଣ୍ଡପରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନିୟମ ଅଛି, ସେମାନେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିକି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ଯାହା ନିୟମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେମିତି ସେବା କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସିକି ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଭୋର 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ନିହାତି ଭାବେ ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମାନିବେ, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।